नमस्कार. आज हम अनुलोम विलोम के बारे में अभी चर्चा करेंगे. अनुलोम विलोम के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा श्वास के बारे में और भी कुछ बारीकियां समझने का अभ्यास करेंगे, और उससे भी पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव. कहते हैं कि श्वास और मस्तिष्क, इन दोनों का सीधा सीधा संबंध है. जब भी हम श्वास अधिक गहरा लेने का प्रयास करते हैं, लंग्स को एक्सपैंड करते हैं, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं. उन क्रियाओं के प्रति जागरूक होने से मस्तिष्क में अपने आप उनकी उनका चलन, उनकी सोच और बहुत सारी स्थितियों के अंदर में नियंत्रण का अनुभव होने लग जाता है. ये तो कहते हैं कि अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम की क्रिया को 40 और 80 बार करने की आवश्यकता है, परंतु अगर हम नियम के साथ में जाएंगे तो केवल 3 श्वास के अंतर में ही हम खुद के मस्तिष्क को अलग, अपने शरीर से अलग अनुभव कर सकते हैं. अब उस प्रैक्टिस को कैसे करना है उसको समझने का प्रयास करते हैं. अगर आपसे संभव हो तो पद्मासन में बैठें. अगर पद्मासन संभव नहीं हो तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं. नियम के हिसाब से पद्मासन में बैठना ज़रूरी है. पद्मासन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लेते हैं. हाथ घुटने के ऊपर रख कर थोड़ा अपने आप को सहज बना लेते हैं. उसके बाद अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप राइट हैंड का यूज़ करें. इफ़ यू आर लेफ्ट हैंडेड पर्सन तो आप बाएं हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नोस्ट्रल पर प्रेशर की बात को समझना पड़ेगा. हम इन दो उंगलियों, अंगूठे को और ये रिंग फिंगर को, अनामिका को बाहर रखेंगे. शुरू करने के समय पहला श्वास बाएं नोस्ट्रल से अंदर लेंगे, उसको देखते हैं. सबसे पहले दाहिने नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करते हैं. बाएं नोस्ट्रल के ऊपर जो हड्डी है उसको हम अनामिका से थोड़ा प्रेशर वहां पर लाएंगे. अब इन दो प्रेशर पॉइंट को क्रिएट करने से हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क के अवेयरनेस के लिए जो जो सटल एलिमेंट की आवश्यकता है पंच महाभूत के अंदर से, बस उनके अंदर से आवश्यक एलिमेंट ही आपके अंदर में इन दो प्रेशर पॉइंट को डिफाइन करते ही अपने आप वही एलिमेंट आपके अंदर में आएगा. अब बाएं नोस्ट्रल से श्वास अंदर लेते हैं. लंग्स को अधिक से अधिक एक्सपैंड करेंगे. शोल्डर कॉलर बोन को थोड़ा ऊपर भी उठा सकते हैं. और फिर श्वास लेने के बाद आप रिंग फिंगर को नीचे लेकर के आएंगे. लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, राइट को ओपन करेंगे, और अब थंब से दाहिने नोस्ट्रल के ऊपर जो हड्डी है वहाँ फिर से प्रेशर पॉइंट, ये दो प्रेशर पॉइंट का डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखेंगे. और फिर दाहिने नोस्ट्रल से श्वास धीरे धीरे कर बाहर छोड़ देंगे. फिर श्वास दाहिने नोस्ट्रल से अंदर लेंगे. फिर अंगूठे को नीचे लाएंगे, रिंग फिंगर को ऊपर लेकर के आएंगे, और बाएं नोस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ देंगे. ये एक राउंड हुआ. इस क्रिया को बस आप 3 बार इन दो प्रेशर पॉइंट के डेफिनेशन के साथ में अगर करेंगे और थोड़ी देर बस आप बैठ जाएंगे, आपको अनुभव होगा कि आपका माइंड और बॉडी सेपरेट हो गया है. इसको माइंड का अवेयरनेस भी कह सकते हैं. और यहाँ से आपको
क्वाइट और साइलेंस का डेफिनेशन भी शायद पता हो जाए। सही तरीके से अभ्यास करने से कम एफर्ट से अधिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम में फिर आगे हम ब्रेथ के पॉज के साथ भी प्रैक्टिस को लेकर के जाएंगे, पर शुरुआत के टाइम में, शुरुआत मतलब एक साल दो साल और आगे भी, हम नॉर्मल रूप से बस श्वास को बिना पॉज के ही लेना और छोड़ने का कर्म करेंगे। पर ध्यान रखें कि ये जो दो प्रेशर पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। इन दो प्रेशर पॉइंट के डेफिनेशन से आपका प्रैक्टिस मिराकुलस हो सकता है। तो अनुलोम विलोम की जानकारी में अभी इतना ही। हम अनुलोम विलोम के बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।